यूपी के इलाहाबाद में एग्रीकल्चर डीम्ड यूनिवर्सिटी में 22 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि यूनिवर्सिटी के अकाउंटेंट और एक्सिस बैंक के मैनेजर ने मिलीभगत से यूनिवर्सिटी के खाते से 22 करोड़ की रकम अपने खातों में ट्रांसफर कर ली। मामला सामने आने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। RBI और आर्थिक अपराध शाखा को इस मामले की सूचना दी गई है। यूपी की राजधानी लखनऊ के हसनगंज इलाके में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 7.5 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त की। पुलिस के मुताबिक ये रुपए पोंटी चड्डा ग्रुप की कंपनी के हैं। पुलिस ने कंपनी के 3 लोगों से पूछताछ भी की, जिसमें खुलासा हुआ कि वो लोग ये रकम लेकर हल्द्वानी जा रहे थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं आयकर विभाग को भी सूचना दी गई है। पंजाब के होशियारपुर में मॉडल टाउन और सदर थाना पुलिस ने साझा कार्रवाई करते हुए बस स्टैंड के सामने मौजूद एक होटल में छापा मारा। छापेमारी में पुलिस ने देह व्यापार के आरोप में 3 कपल्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने होटल मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के आरा में शराबी पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। आरोप है कि नशे में धुत होकर आरोपी संतोष ने पहले तो मासूम को पटक पटक कर अधमरा कर दिया और फिर गला घोट कर उसकी हत्या कर दी। इस वारदात पर पड़ोसियों ने आरोपी की बुरी तरह से पिटाई भी की। मध्य प्रदेश में इंदौर के परदेसीपुरा इलाके में देर रात बदमाशों ने 2 पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस बदमाशों को हथियार समेत पकड़ने गई थी। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस ने बदमाशों से चाकू और वाहन भी जब्त किए हैं। यूपी के फैजाबाद में पुलिस ने IPL मैच पर सट्टा लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सट्टेबाजों के पास से 29,000 रुपए और मोबाइल भी बरामद हुए हैं। यूपी के आजमगढ़ में गोली लगने से घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचे परिवार वालों ने डॉक्टर के ना मिलने पर जमकर तोड़फोड़ और हंगामा किया। वहीं अस्पताल कर्मियों के साथ मारपीट भी की गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। यूपी के बागपत में मामूली विवाद में एक महिला को उसके पति ने तलाक दे दिया, जिसके बाद हलाला के नाम पर उसके देवर ने जबरन दुष्कर्म भी किया। आरोप है कि जब पीड़िता इसकी शिकायत के लिए महिला थाना पहुंची तो पुलिस ने दुष्कर्म होने के सबूत भी मांगे। यूपी के बुलंदशहर में युवती को अगवा कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि 27 अप्रैल को दूसरे संप्रदाय के युवक ने युवती के भाई को जान से मारने की धमकी देकर उसे अगवा कर लिया। उसके बाद उसे अलग अलग शहरों में ले जाकर उसे दुष्कर्म करता रहा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बदमाशों ने एक बुजुर्ग ज्वेलर की हत्या कर दी। बदमाशों ने पहले तो बुजुर्ग के हाथ पैर बांध कर कमरे में रखे सामानों की तलाशी ली। तलाशी में कुछ न मिलने पर उन्होंने बुजुर्ग की बेरहमी से गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।